हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैकबोर्ड की तरफ से आज के डेट में बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्व के रिजल्ट को लेकर, जिसमें बताया गया है कि मैट्रिक के सभी विषय का मूल्यांकन जो है समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और मैट्रिक का रिजल्ट अब जो है जल्द ही आने वाला है, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अब इंटर की कॉपी का मूल्यांकन में कितना समय लगेगा, तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी को। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन जो है समाप्त हो गया है। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मैट्रिक में जो है एक दो विषय का कॉपी का मूल्यांकन अभी रह गया था, लेकिन दोस्तों फाइनली जो है कल मैट्रिक का ऑल सब्जेक्ट का कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आप मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और जैक बोर्ड जो है अब रिजल्ट की तैयारी में लग गए हैं। तो दोस्तों, अब आपका 2 से 3 दिन के अंदर जो है रिजल्ट का डेट भी आ जाएगा। जी हां दोस्तों, घोषित हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट डेट आता है तो सबसे पहले सटीक और सही जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की डेट में जो है जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है क्लास टेंथ के लिए और क्लास ट्वेल्व के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, इस आप देख सकते हैं कि आज की डेट का प्रभात खबर को ऑन करके रखे हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि मैट्रिक का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, आपका कॉपी मूल्यांकन समाप्त हो गया है तो आपका रिजल्ट जो है जुलाई के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, इसमें बताया गया है कि मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच पूरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच पूरी होने के बाद जैक के रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मैट्रिक का जो उत्तर पुस्तिकाओं का जांच जो है पूरा हो गया है और जैक बोर्ड जो है रिजल्ट में लग गए हैं, रिजल्ट की तैयारी में जुट गए हैं। मैट्रिक का रिजल्ट जो है जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। कॉपी जांच को लेकर सभी मूल्यांकन केंद्रों से रिपोर्ट भेज दी गई है। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 3,87,021 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि दोस्तों आप बोल सकते हैं कि 3,88,000 परीक्षार्थी जो है क्लास टेंथ में परीक्षा में शामिल हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लास ट्वेल्व के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, क्लास ट्वेल्व का जो है साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट बहुत ही जल्द भी आने वाला है। दोस्तों, 25 जून तक जो है साइंस और कॉमर्स का जो है कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, जैसे ही कॉपी का मूल्यांकन यानी कि साइंस और कॉमर्स का कॉपी मूल्यांकन समाप्त होता है, उनका भी रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि क्लास 12 का आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो जुलाई के मध्य सप्ताह तक में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक में जो है क्लास 12 के आर्ट्स का कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। जैसे ही समाप्त होती है आपका रिजल्ट डेट निकाल दिया जाएगा, रिजल्ट डेट आपको बता दिया जाएगा कि आपका किस डेट में आपका क्लास 12 का आर्ट्स का रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, इस अपडेट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।